दोस्तों आईकू ने चाइनीज मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन आईकू Z9X 5G को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों मजे की बात यह है कि यह स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो आज किस वीडियो में आपसे बात करूंगा इसी आईकू Z9X 5G के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन चाइनीज मार्केट में क्या रखी गई है, इंडियन मार्केट में यह स्मार्टफोन कब तक आएगा तो इसकी क्या कुछ प्राइसिंग होने वाली है। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी ही जानकारी दे दूंगा आईकू Z9X 5G से रिगार्डिंग। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे आईकू Z9X 5G के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जहां पे जो है आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर कोई भी OLED डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलता है, एक बेसिक सा 120 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। अगेन जिस प्राइस पैनल वाला उस प्राइस पे हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, अच्छी डिस्प्ले हम बोल सकते हैं। सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि पंचोल स्टाइलिंग के साथ में आता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड करा गया है, पंचोल डिस्प्ले है जो कि लिटरली अच्छी बात है। बैक की तरफ जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। एंड हाँ, यहाँ पे आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह का उम्मीद मत कर लेना, वो सब देखने को नहीं मिलता है। एंड सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर देगा, सिर्फ कहने के लिए। आपको भी पता है, हमें भी पता है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ नाम के लिए चिप दिया गया जिसका ही कोई भी यूज नहीं है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड यहाँ पे आपको 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो इस डिपार्टमेंट में लिटरली बैटरी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम करा गया है। प्रोसेसर की बात करें इसमें भी काफ़ी अच्छा काम करा गया है। क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। लिटरली जिस प्राइस रेंज पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला उस प्राइस पे चिपसेट जो है काफ़ी कातिलाना होने वाला है, काफ़ी खतरनाक चिपसेट होने वाला है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। जैसा मैंने आपको बताया IPS LCD पैनल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिल जाता है। 3.5 mm जैक भी है एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप 2 SIM के साथ साथ एक SD कार्ड लाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसमें आपको डुअल स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको 2+3 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, मतलब एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे आईकू Z9X 5G की। सबसे पहले मैं आपसे इसके चाइनीज प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए चाइनीज मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तो मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, बट मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मार्केट के बेस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा जो कि निकल कर आता है 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग जो है चाइनीज मार्केट में रखी गई है 1,199 yuan, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वह निकल करता है तकरीबन 13,800 रुपये, मतलब बोल सकते हैं 14,000 रुपये अप्रॉक्सिमेटली। बट घबराइए मत, इंडियन मार्केट में 14,000 में देखने को नहीं मिलेगा। खैर, इंडियन मार्केट में 8+128 का बेस वेरिएंट भी देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन मार्केट में आपको इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 4 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी 13,500 रुपये। और यहाँ पे आपको 1,000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद जो इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाएगी 12,500 रुपये। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, पूरा वीवो T3X 5G का रीब्रांडेड होने वाला है, कोई भी चेंज नहीं करा जाएगा, इवन प्राइसिंग में भी कोई चेंज नहीं करा जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होने वाला है कि जो वीवो T3X 5G था वो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, बट जो आईकू Z9X 5G होने वाला है ये आपको अमेजन के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगले एक महीना, मतलब बोले तो मई के मंथ में, ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप आईकू का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो आप आईकू Z9X के लिए वेट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको वीवो का स्मार्टफोन चलेगा तो आप वीवो T3X 5G को जाकर ले सकते हो, वो भी सेम स्मार्टफोन है, दोनों में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिट्टो वही सब कट कॉपी पेस्ट, सॉरी कट नहीं करा गया, सीधे कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है, तो सेम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ, जिस प्राइस पे आने वाला है इंडियन मार्केट में 12,500 रुपये में, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है और लिटरली मैं रिकमेंड करता हूँ स्मार्टफोन भी आप जाकर ले सकते हो। खैर, यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था आईकू Z9X 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।